अब हम बात करते हैं जिलाधिकारी डॉक्टर लोकेश एम की। डीएम ने कहा कि होली पर्व प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर आएगा, इसको अमन शांति के साथ ही मनाया जाए। डीएम ने कहा कि नई परंपरा की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। श्री लोकेश कलेक्ट्रेट में होली त्योहार पर शांति व्यवस्था की बैठक ले रहे थे। उन्होंने पालिका प्रशासन को रोशनी, पानी, सफाई के विशेष इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक उदय प्रताप ने इस मौके पर कहा कि होली पर शांति बनाए रखें, ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। होली के संबंधित जो मीटिंग हो, इसमें हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि जो बिजली विभाग है और जो नगर पालिका और टोनियरस में जो पानी व्यवस्था देखते हैं कंसर्न विभाग, सभी को उस समय जो भी सप्लाई देना है नो सही समय पे सप्लाई देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और दूसरा, सभी एसडीएम्स और हमारा सभी सीईओस को इंस्ट्रक्शन दिया गया, हर थाना में मीटिंग किया जाएगा और जो भी कुराफतें कर सकते उस तरह आदमियों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। और तीसरा, हमने फूड एंड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट को ये भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि उस समय जो भी खाना स्वीट बनता है, मिठाई बनता है, उसका चेकिंग होगा। और इसके साथ साथ जो भी अडल्ट्रेशन होगा स्वीट्स में और जो भी लिकर में जो भी प्रॉब्लम होगा, इसको अटेंड करने के लिए सीएमओ सबको हमने इंस्ट्रक्शन दिया इस तरह। और मुख्यतः हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि इस बार होली में कोई नया ट्रेडिशन, कोई नया चीज़ नहीं होगा। आज तक जो भी ट्रेडिशन आया है उसी ट्रेडिशन को फॉलो किया जाएगा, नया ट्रेडिशन को कोई हम मौका नहीं देंगे, चांसेस नहीं होगा। तो होली का पर्व ऐसा पर्व है जिसमें मुख्य दिन और तारीख के काफ़ी पहले से लोग होली के मौज मस्ती और उस तरह के वातावरण में हो जाते हैं। खास करके नया वर्ग, नए लड़के, युवा वर्ग, ऐसे लोगों को चिन्हित करके और पहले से ही निरोधात्मक कार्रवाइयाँ पुलिस द्वारा जब कर ली जाती हैं तो एक वातावरण में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रहती है और लोग व्यवस्थित रहते हैं। कुल मिलाकर पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाना और व्यवस्था बनाना जिला प्रशासन का, पुलिस का यह दायित्व है और इस दायित्व से आज सबको अवगत करा दिया गया और समस्त गांवों के भ्रमण के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया कि हल्का उपनिरीक्षक, बीट कांस्टेबल, थाना प्रभारी ये अपने क्षेत्र में भ्रमण करके देख लें कि जो पारंपरिक रूप से जो होलिका दहन का स्थल है, मार्ग हैं, वो कोई नया उसमें तब्दीली न की जाए, कोई विवाद न पैदा किया जाए और होलिका दहन की तिथि के पहले कोई शरारती तत्व होली में आग लगाकर विवाद न पैदा करे। पुराने झगड़े और फसाद जिनको लेके कोई इस त्यौहार पर लोग अपना बदला निकालने की भावना से कुछ घटना न करें, उनको भी बाउंड डाउन किए जाने के लिए निर्देशित किया गया।